झुंझुनू में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जिसका शव निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी, साथ ही केबिन को भी काटना पड़ा। दरअसल भारी भरकम केबल के दो रोल लेकर एक ट्रक झुंझुनू से चूरू की तरफ जा रहा था। ट्रक के एक टायर का बैरिंग खराब हो गया और बैरिंग के अंदर की गोलियां धीरे धीरे पूरी तरह निकल गई और ट्रक चालक को इसका पता भी नहीं चला। नयासर बस स्टैंड के पास पहुंचने से पहले ट्रक का एक टायर निकल गया और ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत की बाड़ में जा धंसा। केबल इतनी भारी थी कि मिट्टी में एक गड्ढा हो गया। वहीं चालक भी इन केबलों के बोझ के नीचे दब गया, साथ ही ट्रक का केबिन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर कोतवाल मदन कड़वासा तथा TI वीरेंद्र सिंह पहुंचे, जिन्होंने मौके पर क्रेन मंगवाई और पहले तो केबल के रोल उतरवाए गए, इसके बाद केबिन काटकर चालक का शव निकलवाया गया। चालक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई क्योंकि ट्रक का केबिन भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका, जिसके चलते यदि कोई कागजात या मोबाइल वगैरह आदि केबिन में हो तो उसके लिए पुलिस को केबिन को चेक करना होगा। बहरहाल शव को BD के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, साथ ही संबंधित सदर थाने को सूचना देकर भी मौके पर बुला लिया गया। कुछ समय पहले सूचना मिली कि प्रताप सिटी से आगे कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति दबा हुआ है, जिस पर हम तुरंत पुलिस टीम और ट्रैफिक प्रभारी के साथ में पहुंचे और क्रेन को सूचना दी और एम्बुलेंस भी मौके पर बुलाई गई, लेकिन उस व्यक्ति को चेक किया तो वो भारी जो केबल के कॉइल से उनके नीचे दबने से उसकी मौत हो चुकी थी। क्रेन बुलवा के भी केबिन को कटवा के व्यक्ति के शव को निकलवाया गया है और थाना सदर इंचार्ज को सूचना दे दी गई, उनकी टीम भी मौके पर आई है।